सबसे पहले लाइटरूम ऐप के अंदर फोटो को ऐड कर लेना है। तो आप चाहो तो मेरा वाला इस मॉडल को भी अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग देख ही सकते हो कि फोटो का जो मॉडल है, इसका स्किन और शर्ट और बैकग्राउंड का जो ग्रीन कलर है, सब कुछ फीका सा लग रहा है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा ग्लोइंग और सैचुरेशन को हाई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है कलर वाला सेक्शन पर, और इधर आते ही कलर का जो मिक्स टूल रहेगा उस पर चले जाना है। जाने के बाद सीधा इधर से जाएंगे ऑरेंज कलर में, और इस सैचुरेशन को इसका डिक्रीज़ करेंगे, तो 33 तक करते हैं, और लुमिनेंस को बढ़ाते हैं 31 तक। ठीक है, तो आप चाहो तो और भी ज़्यादा इधर से वाइट और ग्लोइंग कर सकते हो इसको अप्लाई करके। ठीक है, इधर से येलो कलर पे जाते हैं और इसका सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं 48 तक, और लुमिनेंस को बढ़ाते हैं 18 तक। ठीक है, फिर ग्रीन कलर पे जाते हैं और सैचुरेशन को बढ़ाते हैं इधर से 48 तक, और लुमिनेंस को बढ़ाते हैं 15 तक। तो देख ही सकते हो कि फोटो में कितना ज़्यादा चेंजेस पहले से इधर आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे, एक प्रीसेट है मेरा, यह है मेरा एक प्रीसेट, सिंपली आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो एक भाई ने मेरा पहला वीडियो में कमेंट किया था कि भाई आपका प्रीसेट तो सिंपल सा दिखा रहा है, तो मैं बोल के रखता हूँ कि मेरा जो लिंक है वो गूगल ड्राइव का लिंक है, उधर प्रीसेट सपोर्ट नहीं करता, उधर नॉर्मल से ही आप लोगों को दिखेगा। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सिंपली उसे डाउनलोड करना है और लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है, तो आपको प्रीसेट वाला फोटो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पहले प्रीसेट को ओपन करते ही आपको इधर एक थ्री डॉट दिखेगा, इस पर टैप करके आपको कॉपी सेटिंग नाम का जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है और राइट साइड पे क्लिक कर देना है, तो इसका जो सेटिंग है वो कॉपी हो जाएगा। फिर आपको आपके वाले फोटो में आना है और थ्री डॉट पे जाके आपको इधर पेस्ट सेटिंग कर देना है। ठीक है, तो एक ही क्लिक के अंदर आपके फोटो में एकदम जादू जैसा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस फोटो को लेके चलते हैं पिक्सर ऐप के अंदर। तो पिक्सर ऐप के अंदर फोटो को ऐड करने के बाद आपको जाना है इधर से ऐड फोटो के अंदर, और गैलरी से इस वाले लेंस फ्लेयर को इधर ऐड करना है, तो इसका लिंक मिल जाएगा सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, आपको उधर से जाकर डाउनलोड कर लेना होगा। तो इधर आपको दिखेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, इस पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है और लेंस फ्लेयर को इस साइड सेट कर देना है। ठीक है, तो फोटो एडिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।